गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल में। आज आपको दिखाते हैं जालमा में पलट से हुए नुकसान का एक छोटा सा वीडियो। काफी नुकसान कर चुका है जालमा नाले में, ये आप देख सकते हैं। जालमा के ठीक सामने काफी लैंडस्लाइड हो गया है, रोड भी काफी कट चुका है। और यह है जालमा से नीचे का एक नजारा, यहाँ आप देख सकते हैं ये रोड में काफी सारा फ्लड आ चुका है और यहाँ पर काफी सारे खेत भी दब चुके हैं। यहाँ पे लोगों के काफी सारे तीन चार खेत हुआ करते थे, जो फूलगोभी और ब्रोकली वगैरह लगाया हुआ था, जो काफी तीन चार खेत दब चुका है यहाँ पर। और यहाँ से नीचे भी दो तीन काफी बड़े बड़े खेत दब चुके हैं। पहले साइड से पूरा काफी सारा नुकसान हुआ है, काफी खेत आ गया है। ये आप देख सकते हैं इस जगह अभी भी गोभी के कुछ एक हिस्से मिल रहे हैं। यहाँ काफी बड़ा खेत होता था और पानी जो है वो काफी बीच से ज्यादा था। यहाँ ऊपर इस पेड़ के नीचे भी काफी सारा खेत होता था, सारा खेत खत्म कर दिया है। इन दो खेतों का थोड़ा सा गोभी अभी दिखाई दे रहा है, ये देखिए आप देख सकते हैं। पिछली बार जब हम आए थे दारा वाटरफॉल तो उस वक्त हम सीधा दारा वाटरफॉल में आए थे। इस बार तो यहाँ आने से डर लग रहा है, तो इसलिए मैं ऊपर ऊपर से पैदल ही जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं अभी दरिया सारा इतना चौड़ा हो गया है और सारा पानी इधर आ रहा है। कहीं दोबारा ऊपर से आ गया तो कुछ नुकसान ना हो जाए बोल के मैं ऊपर ऊपर से जा रहा हूँ। यहाँ से नीचे तो रोड का नामो निशान नहीं है। और ये देखिए ये है दारा वाटरफॉल। उस वक्त यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर थे कि अब तो यहाँ पर मैदान बना दिया है। और जहाँ पर वो वाटरफॉल गिर रहा है उस जगह पर पानी काफ़ी ब्लॉक हो गया था, जिसकी वजह से आगे जो जसरत पुल का जो डैमेज हुआ इसी वजह से हुआ। अब रास्ता काफ़ी खुला कर दिया है पानी ने अपना, तो सारा पानी जाने की वजह से पीछे का सारा पानी ख़त्म हो रहा है और जसरत पुल को डैमेज पहुँचा दिया, काफ़ी सारा डैमेज पहुँचा दिया है। तकरीबन गिरने के कगार पर ही है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको आगे उसको भी। ओह माय गॉड, क्या हालत कर दिया। देखो पिछले बार जब आया था यहाँ पर काफ़ी संख्या में हरे भरे पेड़ भी थे। और ये देखिए जहाँ से ये जो काला पानी गिर रहा है, पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पर मैंने गाड़ी खड़ा किया था और वहाँ पर भी एक खेत था। अब देखिए यहाँ पर सारे का सारा मिट्टी हो गया है, वो खेत खुद सारे गिर गए हैं। तो देखिए बाप रे, यहाँ पर तो पूरा मैदान बना दिया है। उस वक्त यहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर थे और जहाँ से अभी ये पानी जैसे जाने का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इतने घने घने पेड़ थे कि कश्मीर भी लोग है, अब तो एक भी नज़र नहीं आ रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि पीछे को देखो पानी काफ़ी भरा हुआ है, अभी पूरे ढंग से नहीं निकल रहा है, इसी वजह से आगे दस फुल डैमेज हुआ है। ये देखिए यहाँ से जहाँ से पानी चल रहा था यहाँ से वो रोड था, और यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ से आगे लोगों का काफ़ी मात्रा में लोगों का ज़मीन भी बेच चुका है, 10-12 बीघा ज़मीन भी बेच चुका है। बहुत भयंकर तबाही मचा दिया इस बार जालमा नाले के फ्लड ने, बुरा हाल कर दिया है लोगों का। कम से कम ये 3-4 दिन कंटिन्यू चला रहा, पिछले कल से थोड़ा सा कम हुआ है। अब देख सकते हैं बिल्कुल वाटरफॉल के सामने पानी कितना संकरा है, संकरे से बह रहा है, जहाँ से पानी को का पूरा फ्लो नहीं निकल पा रहा है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, इस जगह में तो कम से कम जहाँ से पानी दिखाई दे रहा, पानी आता हुआ दिखाई दे रहा, उस जगह से लेकर नीचे तक जो सूखे हुए पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक तकरीबन लोगों का बीघों के हिसाब से खेत गिर गया है दरिया में। सारा दरिया का पानी जो है इधर डाइवर्ट हो गया और सारे का सारा खेत गिरा दिया है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं दोनों साइड का जो सब साइड का भी खेत है, काफी दरिया में है। ये आप देख सकते हैं इस एरे में ये इस कोने से लेकर परे कोने तक पूरा जमीन था,
काफी सारा यहाँ पर कई बीघों के हिसाब से, कई बीघों के हिसाब से जमीन जब्त होता है। पूरा प्रशासन और पुलिस प्रशासन जैसी भी सब कुछ आ चुका है यहाँ पर, पुल को रिपेयरिंग का काम शुरू हो चुका है। देखिए एसडीएम साहब और एक्शन साहब और पीडब्ल्यू के सारे डिपार्टमेंट यहाँ आ चुके हैं। ये देख सकते हैं आप पुल की स्थिति कैसी हो गई है, कई बेड लग गए हैं पुल में। ये पुल के दाएं साइड का फाउंडेशन है जो अभी काफ़ी टिका हुआ है। पुल का बेस जो है वो काफ़ी मजबूत है, लेकिन सारा जोर जो है वो केबल पे जा वो पड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारा लोगों का खेत था, असल में यहाँ पर आइसबर्ग लगाया हुआ था। काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो खेत का फ्लड में जा चुका है, ज़्यादा पानी में जा चुका है, थोड़ा सा आधा हिस्सा बचा हुआ है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं इस जगह पे आलू का खेत था, काफ़ी बड़ा जैसा आलू का खेत था। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आलू, देखिए जो फ्लड के पे पानी में दे चुका है और खेत पूरा ख़त्म हो चुका है। ये देखिए आलू के पौधे हैं, ये आप देख सकते हैं आलू भी दिखाई दे रहा है अभी यहाँ पर। पानी पड़ के कम से कम 10 या 12 मीटर 12 मीटर पोर्शन जो है वो खेतों का ले जा चुका है। ये देखिए आप देख सकते हैं अभी भी चालमा नाले में फ्लड रुका नहीं है, 2-4-5 घंटे के बाद फ्लड चला ही होता है, सिर्फ कल की रात को ही फ्लड नहीं आई। पीडब्ल्यूडी वाले अपने काम में लग चुके हैं, पुल रिपेयर तो नहीं पर पानी को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं ताकि पुल बच सके। अभी ये पानी को डाइवर्ट करने का काम शुरू कर रहे हैं। ये देखिए बीच में दो JCB लगा के पानी को डाइवर्ट करने के काम में लगे हुए हैं। भगवान करे कि इनका मेहनत सफल हो जाए। अभी मुझे किसी ने बताया कि पुल काफ़ी सारा डैमेज हो गया और गिरने की कगार पर है, तो इसलिए मैं दोबारा निकल पड़ा हूँ जसरत की ओर पुल देखने के लिए। ओह माय गॉड, आज तो फाउंडेशन सारा हिल चुका है। पिलर भी देखो, पिलर भी काफ़ी टेढ़ा हो गया है। अब ये बिल्कुल तारों के सहारे पर बचा हुआ है, पिलर फाउंडेशन आगे हो रहा है और तार पुल को ऊपर को खींच रहा है, बिल्कुल तारों के सहारे बचा हुआ है। थोड़ा सा और फाउंडेशन खींचा नहीं कि ये पुल गिरने वाला है, जब मर्जी ये पुल अब गिर सकता है। बिल्कुल लोगों के आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। अब लोग जालमा बाजार आने के लिए 6-7 किलोमीटर का चक्कर मार के नालडा से होके जालमा आ रहे हैं। पिछले कल जब मैं आया था तो उस वक्त ये पुल इधर साइड से थोड़ा सा बेंड था, आज देखिए, लेकिन आज पूरा का पूरा पिलर उखड़ गया है। पिलर भी ये ऊपरले कोने पे ही लगा हुआ है। बस 1-1.5 घंटे का मेहमान है ये, बाकी अपना जा रहा है। लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया अलविदा सरस्वती, सोशल मीडिया में काफ़ी फेमस हो गया ये डायलॉग। तो अपनी जिंदगी में आज तक इस तरह का फ्लड आना, कंटिन्यू 4-5 दिन फ्लड आना अपनी जिंदगी में देखा नहीं है। अगर आप लोगों के पास इस आपदा का कोई समाधान हो, समस्या का कोई समाधान हो या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।